सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा पीछे का पल्लर है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई पे। हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच की लेंगे, गले की लंबाई 9 इंच की, अभी हमारा यहाँ से बंद है। यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे पीछे की प्लेट का। पहले हम ये पीछे की प्लेट डालेंगे। अब हम यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच की यहाँ से चौड़ाई लेंगे। अब हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया है और ये यहाँ पे बीच का जो निशान है यहाँ से हमारा 2.5 इंच हो गए। अभी हमने यहाँ ये पट्टी ली है, 3 इंच की चौड़ाई है। अभी यहाँ से हमने 2 इंच लिया है और रुमाल की यहाँ से 7 इंच पे ही निशान लगाया है। अब इसमें हम यहाँ पर चुन्नी डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है उसको हम यहाँ पे कटिंग कर लें बराबर करके। अभी हमने 1 इंच की चौड़ाई ली है कपड़े की, 1 इंच की लंबाई। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा करेंगे। अब ये हम यहाँ पे लगाएंगे।
अब इसके बाद ये हमारी लेस है, लेस को हम यहाँ पे लगाएंगे पहले। अभी हमने लेस लगा ली है, अब हम यहाँ पे पाइप लगाएंगे गले पे। ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है, हमने तिरछा कर लिया है। तिरछा कपड़ा करके हमेशा पाइपिंग लगाएं, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। ये हमारा उल्टा है, उल्टे की लंग से हम ये पाइपिंग को रख रहे हैं, आगे की लंग दबा देंगे। अब इसके बाद हमें आगे की साइड एक पट्टी को अपनी हमें बराबर शेप में बनानी है। यहाँ पे हम प्रेस लगा लें, अगर आप यहाँ पे डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। ये बन गई हमारी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।